हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सबके लिए बनाने जा रही हूँ खमंड ढोकला। बहुत ही सिंपल है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक बाउल में ये 1 कप बेसन लिया हुआ है, और उसमें मैंने ये शुगर 1 टेबल स्पून डाल दी है, और इसमें ये 1/2 टेबल स्पून सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, और मैं इसमें ये दही डाल दे रही हूँ 1/2 कप। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है। पानी बाद में डालेंगे। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया है, तो अब इसमें पानी ऐड करती हूँ। दही जो डाला था उसी में ही दही 1/2 कप डाला था, पानी उसका डबल डालेंगे। तो ये 1 कप मैंने पानी डाला है। अब इसको इसका एक बैटर प्रिपेयर कर लेते हैं, ढोकले का बैटर। तो इसको एक ही डायरेक्शन में बीट करना स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे, कोई भी लम्स नहीं होने चाहिए हैं। तो इसको धीरे धीरे बीट करते रहेंगे, एक ही डायरेक्शन में बीट करना है, ध्यान रखिएगा। तो इसका बैटर बहुत ही हार्ड नहीं होना चाहिए, लूज नहीं होना चाहिए, मीडियम बैटर होना चाहिए। इसकी कंसिस्टेंसी मैं दिखाऊंगी कैसी होनी चाहिए। तो इसको पहले से बीट कर लेना है खूब अच्छे से, ताकि कोई भी लम्स ना रहे। आप चाहें तो दही को पहले से बीट करके बाद में ऐड कर सकते हैं बेसन में। तो मैंने तो अभी डाला है दही ही, तो मैं इसको अच्छे से फेंट लेती हूँ। अभी लम्स दिख रहे हैं तो इसको अच्छे से फेंटना है। अब मैं इसमें ये 1/4 टेबल स्पून हल्दी ऐड कर रही हूँ। कलर अच्छा आता है हल्दी से भी, ढोकले का ढोकला दिखता अच्छा है। तो इसको मिक्स कर लेना है हल्दी को भी अच्छे से बैटर में, और अब इसको अच्छे से बैटर प्रिपेयर कर लेते हैं। बहुत स्मूथ बैटर तैयार करना है, जितना ही अच्छा फेटेंगे उतना ही अच्छा स्पॉन्जी ढोकला तैयार होगा। तो इसको ये ध्यान रखें, ढोकले को अच्छे से फेटना है। ये देखिए कोई भी लम्स नहीं बचे हैं, ये अच्छे से फेट चुका है। इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रखते हैं। 10 मिनट के बाद अब मैं इसमें इनो डालूंगी, 5 ग्राम इनो है 1 टेबल स्पून। तो ये मैंने इनो ऐड कर दिया है। इनो जैसे ही ऐड करेंगे तो इसमें चाज बनने लगेगी एकदम, देखिए। तो इसको धीरे धीरे बीट करना है। तो ये बैटर ऑलमोस्ट रेडी है ढोकले के लिए। इनो को मिक्स कर देना है अच्छे से बैटर में, और इसको 2 से 3 मिनट तक और बीट करना है। तो ये बीट कर लिया है, थोड़ा सा और बीट कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल है रेसिपी ढोकले की, स्नैक्स अच्छा होता है ये। तो ये एकदम स्मूथ तैयार हो चुका है ये ढोकला बैटर। इसको अच्छे से मैंने फेंट लिया है, इसको साइड में रख देते हैं। अब एक टिन का बर्तन लिया, टिन लिया हुआ है मैंने, तो अब इसमें जो है ग्रीस कर देती हूँ ऑयल। 1 टेबल स्पून ऑयल से मैं इसको ग्रीस कर रही हूँ, चारों साइड इसको ग्रीस कर लेना है अच्छे से, ताकि जब ढोकला बन के तैयार हो तो चिपके ना नीचे, आसानी से निकल आए ढोकला। तो इसको ग्रीस करना बहुत ज़रूरी है। तो ये मैंने इसको अच्छे से ग्रीस कर लिया है। अब इसमें मैं बैटर ऐड करूँगी, बैटर डाल देते हैं सारा बैटर। सारी बैटर मैंने ये अब डाल दिया इसमें। बैटर हो गया, अब पानी की स्टीम की तैयारी कर लेते हैं। तो एक अलग मैंने बर्तन लिया है, गैस पे रख दिया है, पानी बॉयल होने के लिए रख दिया है। अब इसमें एक स्टैंड रख देंगे, ताकि उसके ऊपर टिन आसानी से रख सके। तो अब इसको 10 मिनट तक की पानी बॉयल होने का वेट करते हैं।
पानी बॉयल आ गया, अच्छे से स्टीम हो सकता है ढोकला अब इसमें, तो रख देते हैं संभाल के, ध्यान से रखना है। तो इसको 20 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे पकने देते हैं ढोकले को, बैटर को, तब तक कि तड़का तैयार कर लेते हैं ढोकले का सिरप। तो मैंने तड़का पैन रख दिया है गैस पे, 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड किया है। ऑयल हो जाने पे मैं 1/2 टेबल स्पून सरसों दाने ऐड कर रही हूँ। जब सरसों चटकने लगे फौरन ही इसमें हरी मिर्ची डाल देनी है 4 से 5। मैंने उसको स्लिट फॉर्म में काटा हुआ है और ये मैंने करी पत्ता भी ऐड कर दिया है, 10 से 12 करी पत्ता लीव हैं। इन सबको अच्छे से चला लेना है, गैस की फ्लेम लो ही रखेंगे। अब इसमें मैं पानी 1/2 कप तक ऐड कर रही हूँ। पानी ऐड कर देने के बाद इसमें शुगर ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून, अब ये मैंने नमक 1 टेबल स्पून ऐड कर दिया है। अब इन सबको अच्छे से चला लेना है, मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाना है थोड़ी देर, इसको 2 से 3 मिनट तक पकाना है। तो ये ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, इस गैस की फ्लेम को लो ही रखेंगे, थोड़ा सा चलाते हैं फिर इसको साइड में रख देंगे, फिर ढोकले को चेक करते हैं। ये तैयार हो चुका है, इसकी गैस की फ्लेम ऑफ कर देते हैं, अब ढोकले को चेक करते हैं। ढोकला भी तैयार हो चुका है ये पूरा, इसको देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं टूथपिक से। ये देखिए पूरा प्रिपेयर हो चुका है, अब इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं, अलग निकाल लेते हैं यहाँ से, कढ़ाई से निकाल लेते हैं और अलग ठंडा होने के लिए स्टैंड पे रखते हैं। ठीक था, स्पॉन्जी बना है तो ठंडा हो गया है, तो अब इसको अलग बर्तन में निकाल लेते हैं। अब जो शुगर सिरप जो तैयार किया था तड़का, वो अब इस पर ऐड करते हैं, ढोकले पे डालते हैं ताकि सारा एब्जॉर्ब कर ले। तो सब लोग देख सकते हैं कितना इजीली ढोकला तैयार हो गया है, बहुत अच्छा है, स्नैक्स है, 4 बजे खाइए, इवनिंग टाइम में बहुत ही टेस्टी लगता है, ब्रेकफास्ट में खाइए। इस पे आप लोग कोकोनट भी गार्निश कर सकते हैं और चटनी के साथ खाइए, हरे धनिए की चटनी के साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो अब इसके ढोकले के पीसेस तैयार कर लेते हैं, आसानी से ही पीसेस हो जाते हैं, कितना सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी दिख रहा है, आप सब लोग देख सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बना है ये, दिखने में बहुत टेस्टी लग रहा है, खाने में भी बहुत टेस्टी है। तो आपको मैं दिखाऊंगी कि ये कितना स्पॉन्जी बना है। तो ये सारे पीसेस मैंने कर लिए हैं, अब मैं एक पीस आपको निकाल के दिखाती हूँ। तो देखिए कितने सॉफ्ट और स्पॉन्जी बना है, इसको एक प्लेटिंग कर लेते हैं। तो ये ढोकला बनकर रेडी है, आप सब लोग इसको पसंद आए तो ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।